We gaan naar India, naar de sloppenwijken van New Delhi. Hier is een school een echte luxe. 4 op de 10 Indiase kinderen gaat niet naar school, meestal omdat ze hun ouders moeten helpen met geld verdienen. Maar er zijn mensen die zich niet bij die situatie neerleggen. Correspondent Jasvinder ging op zoek naar de brugleraar. भैया यहां पे एक टीचर है ना जो पढ़ाते हैं पुल के नीचे हां हां तो हमको छोड़ देंगे क्या वहां हां रुकिए जरा कितना पैसा लेंगे 20 रुपए अच्छा रुकिए हमको बैठने दीजिए जरा कनेक 2 मिनट यही पढ़ाते हैं वो हां अच्छा तो आपका भी कोई भाई बहन पढ़ता है बस्ती का पढ़ रहा है इस पुल के नीचे पढ़ाते हैं वो लोग नहीं मेट्रो वाला पुल है ना इस नीचे जी नीचे है यहीं Dit is de school van meester Rajesh. En ook al heeft deze school geen bel, de kinderen komen allemaal stipt op tijd binnendruppelen. तो जा रहे हो स्कूल हां क्या स्कूल है साहब स्कूल क्या है गरीब बच्चों के लिए खाली बैठने उठने आगे जो है जो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं डस्ट वगैरह में खेलते रहते हैं उनको जो है एक रास्ता पे ला करके आगे जो है स्कूलों में भर्ती कराने का हमारा लक्ष्य है राजेश इज एन एक्ट इडियलिस्ट मगर वेल एन बीटी एन ऑथोरिटेयर इडियलिस्ट स्कूल कितना आ रहा है हाँ उस दिन से तो पढ़ने के लिए आज आया ना आते एक पेन चाहिए मेरे को ओ भाई काम भी नहीं करा तुमने 10 तारीख से काम पड़ा तुम्हारा तो हाँ क्या मस्ती मार रहे थे चलिए बैठे काम करो इसे पूरा काम गलत है तुम्हारा बहन ने करा क्यों करा है तुम्हारी कापी है उसकी बहन क्यों करवा रहे हो 26 27 28 क्या तकलीफ है इसको जीभ की गनम तकलीफ है इसको जीभ पूरी तरीके से उठ नहीं पाती है इसको इसको कोई विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दो नहीं इसे धीरे धीरे करके सीख जाएगी En dan, zo snel als het schooltje is opgebouwd, wordt het weer ingepakt. De lessen zijn na 2 uur alweer voorbij, want meester Rajesh moet er vlug vandoor. De leraar spelen, dat doet hij namelijk onbetaald. De huur betaalt hij met de opbrengsten van zijn winkeltje. कमियों को ढूंढते हैं कि ये क्या बंदा है क्यों करता है क्या करता है ये तो सवाल बहुत सारे मिलते हैं सामाजिक सेवा हम कर रहे हैं तो फिर फीस का मतलब क्या है कछुआ साहब कौन सी दाल वाली शिक्षा की क्या जरूरत है अरे वाह शिक्षा तो एक ऐसा शस्त्र है कि किसी के पास में नहीं होगा और उसके जब जीवन निकल जाता है उस समय पर उससे पूछा जाए कि शिक्षा तुम्हारे जीवन में क्या थी तो उस समय उसको मालूम पड़ता है कि शिक्षा क्या चीज़ होती है Het kleine beetje onderwijs dat meester Rajesh in zijn vrije uurtjes geeft is van levensbelang. Hij probeert zijn leerlingen iets mee te geven waarmee ze kunnen ontsnappen uit de sloppen.